फ्रेंड्स, दिस इज़ पल्लवी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि बच्चों के टेंट हाउसेस कैसे बना सकते हो। आप ये टेंट हाउस ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, बट इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने से खुद से बच्चों को बना के दो, तो उनको भी अच्छा लगेगा ये देखने में एंड एन्जॉय करने में, और आपको भी बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सो आज मैं अपने बेटे के लिए यहाँ पे टेंट हाउस बनाने वाली हूँ। आई ऑलरेडी क्रिएटेड बिफोर ऑल्सो, और मैं फिर उसको डिसम्बल करके रख देती हूँ। अभी मैं बनाऊँगी तो आई विल शेयर दिस विथ यू, सो दैट आप भी ये ट्राई करो एंड ये डेफिनेटली अच्छा लगेगा आपके बच्चे को। एक्चुअली क्या होता है ना, बच्चों को एक चीज़ डेली देखने से वो बोर हो जाते हैं, तो बीच बीच में हमेशा टॉयज शफल करना चाहिए। सो ये टेंट हाउस भी मैं फिक्स नहीं रखती हूँ, ऐसे भी मेरा घर छोटा है तो मैं ये फिक्स नहीं रखती हूँ, एंड उसको हर 3 महीने में एक बार बना के ऐसे देती हूँ फॉर 2-3 डेज। ही एन्जॉयज एंड ही हैज़ लॉट्स ऑफ फन, और फिर उसको वो रहता है कि टेंट हाउस बना है, नेक्स्ट टाइम बनेगा, तो ही एन्जॉयज दैट फेज। सो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिए एंड मुझे बताइए कैसा लगा, एंड डू शेयर योर फोटोज टू। ऑल राइट, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टेंट हाउस के लिए जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है पीवीसी पाइप्स का। सो हमें मीडियम साइज की 4 पीवीसी पाइप्स की ज़रूरत है, एंड ये आपको बड़ी आसानी से कोई भी हार्डवेयर शॉप में मिल सकता है। फिर नेक्स्ट हमें 3-4 क्लोथ क्लिप्स चाहिए, और ये तो हमारे घर पे ही रहते हैं। उसके बाद हमें एक टाइट रस्सी चाहिए, लंबी रस्सी होनी चाहिए जिससे हम लोग 4 पीवीसी पाइप्स को बांध सके। फिर उसके बाद हमें मैट की ज़रूरत होती है। एक कुशनिंग के लिए मैंने ये अपना ब्लैंकेट लिया हुआ है पतला सा, एंड एक बेडशीट की ज़रूरत होती है। सो हम लोग सबसे पहले वो पीवीसी पाइप्स लेंगे और उसको वो रस्सी के सहारे से टाइटली बांध देंगे। अभी उसके बांधने के बाद वो जो नॉट जहाँ पे गिरा है उसको हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ये शिफ्ट हम लोगों ने इसलिए किया कि ताकि अब ये पाइप्स नीचे की तरफ से अच्छे से खुल पाए। सो अब हम लोग मैट लेंगे और इसको एज अ बेस नीचे डाल देंगे। मैंने अपना पहला वाला मैट चेंज कर दिया है क्योंकि वो थोड़ा छोटा हो रहा था, सो मैंने ये वाला मैट डाल दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग ब्लैंकेट लेंगे कुशनिंग के लिए और उसको मैट के ऊपर अच्छे से बिछो देंगे। अब हम लोग बेडशीट लेंगे एक और उसके ऊपर ब्लैंकेट के ऊपर अच्छे से कवर कर देंगे। आप चाहे तो इस पर थोड़ा और कुशनिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा और मोटा ब्लैंकेट या कुछ स्टफिंग डाल के। सो अभी हम लोग और एक बेडशीट लेंगे और इसको पूरा खोल के टेंट को कवर करने के लिए यूज़ करेंगे। अभी हम क्लिप्स के हेल्प से वो टेंट के टॉप को क्लिप कर देंगे ताकि वो बेडशीट खिसक ना जाए। फिर कुछ और क्लिप्स की मदद से हम लोग पूरा बेडशीट को टाइटली फिक्स कर देंगे विद द रॉड्स। सो अभी मैंने अच्छा दिखने के लिए बेडशीट के कलर का मैचिंग किया हुआ एक कर्टन्स था मेरे पास, तो मैंने उससे टेंट हाउस को कवर कर दिया है सो दैट इट लुक गुड। अभी उसको मैं कुशन्स ऐड कर दूंगी ताकि वो कंफर्टेबली बैठ पाए मेरा बेटा। एंड आप चाहे तो इसको फिर इस पे खिलौनों या जो भी उसको पसंद हो उससे सजा सकते हैं।
सो अब ये टेंट हाउस बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको स्ट्रिंग लाइट की हेल्प से और थोड़ा खूबसूरत बनाने को ट्राई किया है, सो आप भी यूज़ कर सकते हैं। Are you happy, Aman? You liking it? So, मेरा बेबी तो बहुत खुश है इसको देख के, एंड आई होप कि आपके बेबी को भी बहुत पसंद आएगा आप अगर ये घर पे बनाओ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।